नमस्कार दोस्तों, आज बात करेंगे आर्सेनिक एल्ब के बारे में। आर्सेनिक एल्ब होम्योपैथी की वो मेडिसिन है जो सबसे ज्यादा उपयोग होने वाली पॉलीक्रेस्ट रेमेडीज में आती है, और इसकी सभी जानकारियां, सारी जरूरी बातें और मुख्य गाइडिंग सिम्टम्स क्या हैं जिसके बेसिस पर आर्सेनिक एल्ब को इतनी प्रधानता दी गई, उस बारे में पूरी बात करेंगे। और वीडियो में अंत तक बने रहिएगा, तब आपको पूरी बातें समझ में आएगी कि आर्सेनिक को क्यों उपयोग किया जाता है होम्योपैथी में और इसकी क्या खूबियां हैं। तो बने रहिएगा। होम्योपैथी में आर्सेनिक का उपयोग तब किया जाता है जब किसी भी बीमारी में पेशेंट में बहुत ज्यादा घबराहट, बेचैनी बहुत ज्यादा रहती है, फियर बहुत ज्यादा रहता है, फियर ऑफ डेथ रहता है, और पेशेंट को ऐसा लगने लग जाए कि अब कोई भी दवाई और कोई भी डॉक्टर उसके किसी काम के नहीं है। इतनी ज्यादा फियर होती है, इतनी ज्यादा घबराहट, बेचैनी और रेस्टलेसनेस होती है, और साथ में जलन वाला दर्द होता है, पूरी बॉडी में इंटरनल बर्निंग फील होती है, और बहुत ज्यादा प्यास लगती है लेकिन बहुत थोड़ा सा पानी पेशेंट चाहता है। तो ऐसा कभी भी लक्षण आए तो पहली दवा होती है आर्सेनिक एल्ब। क्यों किया जाता है आर्सेनिक का उपयोग और किस किस जगह पर किया जाता है, किस किस बीमारी में आर्सेनिक का प्रयोग किया जाता है? तो टॉप से लेकर बॉटम तक, हेड टू लेकर टो तक, आपके शरीर में जितनी भी प्रकार की बीमारी होती है उन सभी बीमारियों में, फ्रॉम द हेयर फॉल, फ्रॉम द साइनसिस, फ्रॉम द चेस्ट इन्फेक्शन, फ्रॉम द रेस्पिरेटरी ट्रबल्स, ओरल कैविटी में स्टोमेटाइटिस, पेट के छाले, पेट के अल्सर्स, गैस्ट्रोएंटेराइटिस, रिफ्लक्स डिसऑर्डर्स, GERD, गैस्ट्रोइंटेस्टिनल रिफ्लक्स डिसऑर्डर्स, टाइफाइड फीवर, लूज मोशंस, गैस्ट्रोएंटेराइटिस, कॉलरा, फेफड़े की सभी समस्याएं, रेस्पिरेटरी ट्रबल, ऑल द रेस्पिरेटरी ट्रबल्स, डाइजेस्टिव कैंसर्स, पेट के कैंसर, पेट के अल्सर, मुंह के छाले, लैट्रिन की जगह से ब्लीडिंग, शरीर के किसी भी भाग से ब्लीडिंग, बहुत सारी ऐसी जगह हैं, या मैं ये कहूं कि ऐसी कोई भी जगह नहीं बची है जहां आर्सेनिक का यूज ना हो। तो ये मल्टी सिस्टम पर काम करने वाली मेडिसिन है और बहुत ज्यादा इफेक्टिव ड्रग है। सभी बीमारियों में आर्सेनिक का प्रयोग किया जाता है जहां आर्सेनिक के सिम्टम मिलते हैं। आर्सेनिक के 3 सिम्टम्स मैंने आपको बताया है पिछले उसमें। पहला सिम्टम होता है घबराहट या रेस्टलेसनेस, बहुत ज्यादा फियर होता है, डर बहुत ज्यादा होता है, घबराया हुआ सा मरीज रहता है और उसे लगता है कि अब कुछ नहीं हो सकता, अब सारे सिस्टम, सारे तरीके फेल हो चुके हैं, दवाइयां काम करनी बंद हो चुकी हैं और डॉक्टर भी अब कोई भी काम नहीं कर पाएगा, और अंदर से जलन वाली फीलिंग आती है। हर बीमारी में, किसी भी तकलीफ में बर्निंग बहुत ज्यादा होती है, टॉप में बर्निंग होती है, रेस्टलेसनेस, मेंटली बहुत रेस्टलेस होता है, बहुत ज्यादा डर लगता है, और डर का लेवल इस लेवल पे होता है कि ये सेकंड टॉप लेवल पे है होम्योपैथी के मेडिसिंस में, एकोनाइट के बाद। एकोनाइट का फीवर सबसे ऊपर होता है, उसे लगता है कि वो टाइम ये वाला है और इस टाइम पे इतने बज के इतने मिनट पे मर जाएगा, ये वाली फीलिंग आती है। लेकिन आर्सेनिक की फीलिंग होती है कि उसके साथ उसे भी फियर ऑफ डेथ होता है, लेकिन उसे लगता है कि अब डॉक्टर्स और मेडिसिन कोई काम की नहीं है, सारा सिस्टम फेल हो चुका है और अब मेरी मौत निश्चित है, और बहुत ज्यादा वीकनेस होती है और पूरी तरह बॉडी साथ छोड़ दे रही है, इस तरह की फीलिंग आ रही है, बहुत ज्यादा फिजिकली वीक होता है, मेंटली बहुत ज्यादा डिस्टर्ब होता है, और पानी की प्यास बहुत ज्यादा लगती है लेकिन बहुत थोड़ा थोड़ा पानी पी जाता है क्योंकि वो भी वॉमिट होने की इच्छा में होता है, वॉमिटिंग हो जाती है और पेट में ऐसा लगता है जैसे पानी पत्थर बन गया हो। ये सिम्टम्स होते हैं आर्सेनिक के। ठंडा पानी पीने की इच्छा, ठंडे फल खाने की इच्छा, ठंडे आइसक्रीम खाने के बाद, आइसक्रीम तो ठंडी ही होती है, ठंडा खाने के बाद बर्फ का पानी पी लिया, खट्टी बियर पी ली, या आपने मीट खाया वो ठीक नहीं था, इन्फेक्टेड था, आपने शराब पी, आपने पनीर खाया, या आपको सिर पे थोड़ी सी भी ठंडक महसूस हो गई या ठंडक लग गई, ठंडी हवा हो गई, आपने ठंडा पानी पी लिया, आपको कंप्लेंट स्टार्ट हो सकती है, किसी भी तरह की कंप्लेंट स्टार्ट हो सकती है, या आपका पनीर खाने के बाद पाचन बिगड़ गया, या आपने मसालेदार खाया और आपका पाचन बिगड़ गया, और ऊपर बताए हुए सारे पिछले बताए हुए लक्षण आपके मैच हो रहे हैं
आपको घबराहट महसूस हो रही है, आपको बेचैनी महसूस हो रही है, आपको डर लग रहा है, आप एक जगह नहीं रह रहे हैं, कभी इधर जा रहे हैं कभी उधर जा रहे हैं, अजीब सी बेचैनी, अजीब सी जलन हो रही है और खूब प्यास लग रही है, इसके लिए, इस रेस्टलेसनेस के लिए, इस फियर के लिए और इस तकलीफ के पिक्चर के लिए पहली दवा है जो आपको रिलैक्स कर देगी वो है आसन। ये जानकर बड़ा अजीब लगेगा कि भले ही आसनिक को उतना पेन महसूस ना हो लेकिन पेन को लेकर उसकी सेंसिटिविटी बहुत ज्यादा होती है, क्योंकि पेन का मुख्य कारण नहीं होता, उसके बावजूद भी, यदि हो तो अच्छी बात है लेकिन नहीं होता, उसके बावजूद भी जो घबराहट होती है वो इस लेवल पे होती है कि पेशेंट को ये लगता है कि अब वो उसका बचना मुश्किल है और बहुत ज्यादा निराश और उदास हो जाता है घबराहट, बेचैनी और दर्द की वजह से। और इसी कारण आसनिक अपने आप को एक घबराहट की स्थिति में पाता है, और इस दौरान यदि आसनिक दे दी जाए तो होता क्या है, आसनिक का पेशेंट एक जगह स्थिर नहीं रह पाता, वो लेटना भी नहीं चाहता, वो लेट नहीं पाता, इसलिए सामने झुक कर बैठा रहता है, क्योंकि चित्त हो कि यदि वो लेट जाए तो उसके लिए बहुत ज्यादा घबराहट होती है। क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन की डिमांड बहुत ज्यादा होती है, अचानक से वो ऑक्सीजन की डिमांड, सांस लेने में दिक्कत महसूस होती है, अंदर बहुत ज्यादा जलन फील होती है, जिस भी वजह से तकलीफ हो वो स्पॉट बहुत ज्यादा बर्निंग करता है पर पेन नहीं रहता, बर्निंग का सेंसेशन इतना ज्यादा रहता है, भले ही पेन कम रहे या पेन की सीवियरिटी उतनी न रहे लेकिन बर्निंग, और वो भी बर्निंग आराम लगता है गर्म चीज पीने या गर्म चीजें लगाने से, दिस इज आसनिक। मानसिक रूप से बहुत ज्यादा बेचैनी, पूरे शरीर में जलन महसूस होना, एक अंदरूनी जलन, बहुत ज्यादा पानी की प्यास लेकिन बहुत कम पानी पीना, बहुत ज्यादा कमजोरी महसूस होना, मानसिक रूप से परेशान है और बहुत ज्यादा फिजिकली कमजोर है, मतलब दोनों तरह की कमजोरी, मानसिक कमजोरी भी और शारीरिक कमजोरी भी, मानसिक वीकनेस क्योंकि बहुत ज्यादा घबराहट है और शारीरिक वीकनेस क्योंकि बिल्कुल भी मूवमेंट नहीं हो सकता, और फियर, डर कि मैं मर सकता हूं या मैं मर जाऊंगा, अब कोई भी डॉक्टर काम नहीं कर रहा है, कोई भी दवाई बेकार साबित हो गई है, ये सिम्टम है आसनिक के मुख्य सिम्टम, मुख्य गाइडिंग सिम्टम्स। महत्वपूर्ण लक्षण है, आसनिक का पेशेंट खाने की तरफ नहीं देख सकता और खाने की स्मेल भी सूंघ नहीं सकता, जैसे ही खाने की तरफ देखा और स्मेल आई वोमिटिंग हो जाती है। तो जरा सी मेहनत करने पर पेशेंट थक जाता है लेकिन दूसरी तरफ ये लेटा रहना चाहता है, पूरा दिन भर ये लेटा रहना चाहता है, आराम करना चाहता है, लेकिन जब आराम करते करते भी ये थक जाए तो फिर मूवमेंट करने की कोशिश करता है लेकिन अब नहीं कर पाता, क्योंकि बहुत ज्यादा वीकनेस है, पुरानी बीमारी हो या नई बीमारी हो, अभी तुरंत की हो, वीकनेस टॉप लेवल पर होती है आसनिक में। ही माथे पे थोड़ी सी सर्दी लगी, नाक से पानी आना और छींके आना चालू हो जाती है, जरा सा भी मौसम चेंज हुआ नाक से पानी और छींके आना चालू हो जाती है, यही है आर्सेनिक का पेशेंट, जरा सी आहट हो तो लगता है कि कुछ हो जाएगा। खास बात है जो आर्सेनिक के लिए मैं बताना चाहता हूं कि इस पेशेंट को जब ये नॉर्मल रहता है इसे सामानों को अरेंज करना बहुत ज्यादा पसंद होता है, इनका रूम बहुत अच्छे से साफ होता है, इनका वर्क प्लेस बहुत अच्छे से साफ होता है, नीट क्लीन एंड वेरी वेल सेटअप। जैसे ही आप इनके ऑफिस में घुसेंगे आपको बहुत अच्छे से मैनेज्ड चीजें दिखेंगी, जैसे ही आप आसनिक डॉक्टर की क्लिनिक में जाएंगे आपको बहुत ज्यादा क्लीन एरिया मिलेगा, सारे सामान व्यवस्थित रहेंगे, एक भी सामान इधर का उधर नहीं रहेगा, इवन पेशेंट भी जब डॉक्टर के क्लिनिक में आते हैं जो आसनिक के डिमांड वाले होते हैं, जिन्हें आसनिक की जरूरत होती है, वो एक कोई टेढ़ा सामान को भी सीधा करके चले जाते हैं, कैलेंडर को सीधा करके चले जाते हैं, और यहां तक भी देखा गया है कि आपकी घड़ी यदि टेढ़ी लगी हुई है डॉक्टर क्लिनिक में तो पेशेंट बोलता है डॉक्टर साहब आपकी घड़ी टेढ़ी लगी हुई है, वो उसे सीधा करने का। रेस्पिरेटरी ट्रबल्स की मेडिसिन है,
ऑल द रेस्पिरेटरी ट्रबल्स, हर प्रकार की सांस की बीमारियों में आर्सेनिक बहुत महत्वपूर्ण दवाई है और बहुत महत्वपूर्ण रोल अदा करती है, चाहे वो ट्यूबरक्लोसिस हो, चाहे वो ब्रोंकाइटिस हो, चाहे वो प्लूरिसी हो, चाहे वो प्लूराइटिस हो, चाहे वो निमोनिया हो, चाहे अस्थमा हो, हर तरह के केसेस में आर्सेनिक बहुत इम्पोर्टेंट ड्रग है। क्योंकि इसमें एक खासियत होती है, आर्सेनिक के मरीज में सांस छोड़ने में कोई दिक्कत नहीं है, आर्सेनिक के मरीज में सांस लेने में दिक्कत है, तो एक्सपायरेशन बहुत आसानी से हो जाता है, लेकिन इंस्पिरेशन जैसे ही सांस लेते हैं ये फीचर है आर्सेनिक का। कि सभी समस्याएं रात में 12 बजे के बाद, 12 से 2 बजे के आसपास बढ़ी हुई मिलती हैं। पेशेंट घबराहट के कारण उठ के बैठ जाता है और सो नहीं पाता, चित्त सोने की कोशिश करेगा नहीं सो पाता, इसलिए उठ के बैठता और बहुत ज्यादा घबरा जाता है, सांस लेने में दिक्कत होती है और 12-1 बजे के आसपास वो बिस्तर छोड़ देता है और टहलने लगता है इधर से उधर। आर्सेनिक का बहुत स्ट्रांग, बहुत महत्वपूर्ण फीचर है ये। मुंह के छाले हो, चाहे पेट की कोई भी बीमारी हो, चाहे लूज मोशंस हो, चाहे पाइल्स हो, बवासीर हो, सब में बहुत ज्यादा वीकनेस होती है और जलन वाला दर्द होता है, ये आर्सेनिक की खासियत है। और लूज मोशंस के लिए जिसमें बहुत ज्यादा वीकनेस होती है, पूरा वाइटलिटी, वाइटल फोर्स, बॉडी का जो जनरल कंडीशन है वो बहुत ज्यादा डिटेरियोरेट कर जाए, बहुत ज्यादा वीकनेस आ जाए, आर्सेनिक उसको रिस्टोर करता है। में तकलीफ किस वजह से होती है, कौन कौन से के कारण होते हैं, तो तंबाकू खाने वाले व्यक्तियों में, शराब पीने वाले व्यक्ति, समुद्र में नहाने के बाद या कहीं भी पानी में नहा कर आया, जरा सी ठंडक लगी, मौसम चेंज हुआ, खराब आपने कहीं मीट खा लिया वो खराब था, कहीं आपने बदबू सहन कर ली, बहुत ज्यादा बदबूदार जगह थी, आपको बदबू आ गई, आपको सहन करना पड़ा मजबूरन, बदबूदार जगह से फैटेड स्मेल आई आपको और आपको वो उसके बाद ठीक नहीं लगा, आपको आर्सेनिक लेना है। एंथ्रेक्स पॉइजनिंग वगैरह के केस होते हैं, जानवरों से फैलने वाली बीमारियां हैं, उनमें आर्सेनिक बहुत महत्वपूर्ण है। किसी जहरीले कीड़े ने आपको काट लिया, उस समय पॉइजनस कंडीशन में आर्सेनिक बहुत इंपॉर्टेंट जगह है और फर्स्ट लाइन ऑफ ट्रीटमेंट होता है। अस्थमा के केसेस में आर्सेनिक फर्स्ट लाइन ऑफ ट्रीटमेंट होता है, वीकनेस के केसेस में फर्स्ट लाइन ऑफ ट्रीटमेंट होता है, सांस लेने की तकलीफें, डिस्निया, हाइपोक्सिया, कार्डियक फेलियर्स, हर वो जगह जहां पर सबसे एक्यूट इमरजेंसी होती है, फर्स्ट मेडिसिन आर्सेनिक होती है। मतलब हर छोटी तकलीफ जो तुरंत स्टार्ट हुई है से लेकर हर बड़ी तकलीफ, फ्रॉम द एक्यूट डिसीजेस टू द क्रॉनिक डिसीजेस, हर जगह आर्सेनिक है। होने का कारण हमेशा जो मैंने अभी बताया वो है चेंज ऑफ वेदर, और लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट चीज होती है आर्सेनिक का फियर। हर बीमारी में यदि फियर का लेवल बहुत ज्यादा है और बीमारी बहुत टॉप लेवल पे पहुंच चुकी है जहां उसे डर रहता है, उस जगह पे, उस क्रॉनिक स्टेट पे आर्सेनिक पेशेंट को वापस लेकर आता है। दिस इज द ब्यूटी ऑफ आर्सेनिक। आशा है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और आप इसे उसी भी बाकी वीडियो की तरह ही प्यार देंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।